समाचारमां आगळ वात करीए गुजरात हाईकोर्टना वकील यतीन ओझाए गुजरात हाईकोर्टना जज एम आर शाह पर गंभीर आरोप लगाव्यो छे। वकील ओझाए चीफ जस्टिस जे एस खेहरने पत्र लख्यो छे, जेमां यतीन ओझाए एम आर शाह पर आरोप लगाव्यो छे। तेमणे नोटबंदी दरमियान राज्य सरकारनी मददथी 1 करोड़ रूपियानी जूनी नोट नवी चलनी नोटमां बदली हती। यतीन ओझाए आ आरोप करवानी साथे एवो पण दावो कर्यो छे, जो तेमनो आरोप खोटो साबित थशे तो ते कोई पण परिणाम भोगवा तैयार छे। तेमणे आ मामले निष्पक्ष तपास करवानी मांग करी छे। यतीन ओझा वकील उपरांत राजकीय पक्षमां पण सक्रिय छे। भाजपमांथी साइडलाइन कर्या बाद तेमणे कोंग्रेस अने पछी आम आदमी पार्टी जॉइन करी लीधी हती। यतीन ओझाए आ आरोप लगावानी साथे कह्युं के एम आर शाहने जमीन फाळवणी करवामां आवी हती, त्यारबाद शाहे त्यांथी बंगलो 1 करोड़मां वेची दीधो। आरोप खूब ज गंभीर छे। जो मारा आरोप खोटा साबित थाय तो हूँ कोईपण परिणाम भोगवा तैयार छू। आ मामले चीफ जस्टिस निष्पक्ष अने विगतवार तपास करावे। हाईकोर्टना जज एम आर शाह अमदावादमां जुलाई ऑगस्ट 2016 सुधी एक बंगलोना मालिक हता। जो कि शाह अने हाईकोर्टना अन्य जजीसने हाईकोर्टनी पासे जमीन फाळवामां आवता शाहे ते बंगलो 1 करोड़मां वेची दीधो। आ बंगलोनी वेचाण किंमत शाहने रोकड़मां मळी हती, જેની જાણકારી શાહે કોર્ટને આપી નથી। બંગલો વેચાના થોડા સમયમાં જ નોટબંધી લાગુ થઈ અને જજ પાસે આ રોકડ 500 અને 1000ની નોટના સ્વરૂપમાં જ હતી। તેવામાં રાજ્ય સરકારની મદદથી આ નોટ નવી કરન્સીમાં બદલવામાં આવી। આ સંજોગોમાં એક મંત્રી અને એક રાજકીય પાર્ટીના નેતાએ શાહની મદદ કરી। જો ચીફ જસ્ટિસ કોઈ નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવશે તો મારી દરેક વાત સાચી નીકળશે।